وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر للمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. नमाज़गुज़ारान अज़ीज़, मुस्तहब नमाज़ों के हवाले से और नवाफिल नमाज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ चल रही थी। मुस्तहब नमाज़ों में से एक जिसकी बहुत ही ज़्यादा ताकीद की गई है वो नमाज़े शब है। बाज़ रिवायतों में मिलता है कि पैगंबर फरमाते हैं, अगर खुदा मुझसे ये चाहता कि ऐ रसूल अपनी तरफ से भी तुम कुछ चीज़ों को वाजिब करार दो तो मैं दो चीज़ों को वाजिब करार देता मेरी उम्मत के लिए, एक नमाज शब और दूसरा मिसवाक यानी ब्रश करना, इन दोनों को मैं वाजिब करार देता। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि कितनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। नमाज है मुस्तहब के हवाले से एक बात, खुसूसी तौर पर जब हम नमाज शब का नाम लेते हैं तो हम लोग समझते हैं कि एक बहुत बड़ा काम है ना, ये पहले ही से ये सोच के ये एहसास हमारे अंदर आ जाता है, हम समझते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसे नहीं कर सकते, ये तो बुजुर्ग उलमा मासूमीन उन्हीं का काम है ना, ये सोच कर भी हम इसे तर्क कर देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है ना, बहुत सारी छूट, बहुत सारे मसाइल जिसमें तख़फीफ दी गई है, हम आम इस्तेलाह में कहें तो डिस्काउंट दिया गया है इंसान के लिए ताकि वो इबादतों से महरूम ना हो। तो मैं आज यही कुछ नमाज शब के हवाले से अहकाम नमाज शब इंशाअल्लाह जो उलमा ने आसान तरीके बयान किए हैं, मुज्तहिदीन एग्जाम ने जो छोड़ दी है उसकी तरफ इशारा करूँगा और इसी तरीके से कल भी, आज और कल दो ही दिन इंशाअल्लाह तकरीर होगी, फिर चूँकि अय्याम उम्मुल-बनीन होंगे, मजालिस होंगे, लिहाजा बाकी बातों को हम अगले हफ्ते के लिए छोड़ेंगे। तो नमाज शब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कुल 11 रकात है, उसमें से 8 रकात नमाज नाफिले शब है कि दो दो रकात करके पढ़ी जाती है, हर दो रकात में तशहुद और सलाम के ज़रिए से नमाज को मुकम्मल करेंगे, फिर अगली दो रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। तो ये 8 रकात नमाज नमाज नाफिले शब के नाम से याद किया जाता है और फिर दो रकात नमाज शफा शीन फे आइन शफा, दो रकात नमाज इस नियत से कि दो रकात नमाज शफा पढ़ता हूँ पुरवतन अल्लाह, इसमें कुनूत नहीं है ना, ये बग़ैर कुनूत के नमाज है और सबसे आखिरी नमाज वितर है ना, वितर अकेले को कहते हैं, जैसे आप ज़ियारत में भी पढ़ते हैं वल वितर अल मौतूर है ना इमाम हुसैन के लिए कि आप करबला में एक तन्हा हो गए थे, इतने तन्हा के कोई आपका पूछने वाला नहीं था, तो वित्र के मानी फर्द के हैं, अकेले के हैं, तो वो इसलिए कहा जाता है कि ये तन्हा एक नमाज है जो एक रकात वाली नमाज है, जो खड़े होने की हालत में भी एक रकात नमाज पढ़ी जाती है। तो इसमें कुनूत है और 40 जिंदा मुर्दा मोमिनीन के मोमिनात के नाम, उलमा मुज्तहिदीन हत्ता अइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम भी हम इसमें ले सकते हैं। ज़्यादातर बेहतर चूँकि मरहूमीन को कोई याद करने वाला नहीं होता तो उनको अपनी इबादतों में शरीक करने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम मुर्दा मरहूमीन और मरहूमात का नाम लें। तो उसका तरीक़ा यही है, जब कुनूत में जाएंगे तो बहुत लंबी दुआएं अगर नहीं भी आती हैं, पूरा तरीक़ा मालूम भी नहीं है, तो जैसे सूरह हम के बाद एक सूरह पढ़ेंगे और कुनूत में जाएंगे
तो इतना कहकर भी कि अल्लाह मग़फ़िर मसलन ले रहमतुल्लाहिल खुमैनी, इसी तरीके से अल्लाह मग़फ़िर ले मौलाना मुहम्मद रज़ा इंशाअल्लाह, है ना। तो इस तरीके से हम नाम एक एक करेंगे, अल्लाह मग़फ़िर बोलेंगे कि परवरदिगार उसको बख्श दे, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा, हम उसके लिए ये कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब देखिए कितनी छूट और तख़फ़ीफ़ हमारे लिए है और कितना आसान बना के दीन को पेश किया है उलमा ने। अगर इंसान किसी वजह से पूरी 11 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता, 8 रकात जो नमाज है नाफिले शर्त की, वो अगर नहीं पढ़ सकता किसी भी वजह से, चाहे वो देर से उठा हो या उसे इस बात का खौफ हो कि मैं बहुत जल्दी उठ जाऊंगा तो मेरे दूसरे वाजिब कामों में डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ 3 रकात भी पढ़ लेता है, आखिरी वाले 2 रकात नमाज शफ और नमाज वितर। तो इन 3 रकात के पढ़ने से भी खुदा बंद आलम उसके नाम अमल में पूरी नमाज शब का सवाब लिख देता है। हत्ता अल्लाह अकबर, एक और बात भी है जो उलमा ने बयान की है कि अगर इतना भी नहीं, वो पहले ही से नियत करके सोया था नमाज शब की लेकिन उठने में उसे ताखिर हो गई, देर हो गई, अब बिल्कुल अजान का वक्त करीब है, सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं अजान के लिए, तो वो 1 रकात नमाज वितर भी पढ़ लेता है ना, तो भी उसे पूरे नमाज शब का सवाब मिल जाता है। अच्छा, ये और हत्ता ये भी देखिए, इंसान को आदत है मसलन नमाज शब पढ़ने की, तो हमेशा उसकी नियत यही होती है कि मैं नमाज शब अदा करूंगा, तो बाई चांस किसी भी वजह से वो उठ नहीं सका लेकिन उसकी नियत पूरी नियत थी, ऐसा नहीं कि पहले ही से हम इरादा करके सो जाएं कि हमें उठना ही नहीं है लेकिन फिर भी हम नमाज शब की नियत करें, ऐसा नहीं। वाकयन अगर किसी को उठना है वो उठता है, वो नहीं उठता किसी वजह से, तब भी खुदा बंदे आलम उसके नाम है आमाल में, चूंकि उसकी नीयत में इखलास था, उसकी नीयत सही थी, तब भी नमाज शब का सवाब लिख देता है। ये खुदा के वाकयन रहम व करम की दलील है और खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, नमाज शब का टाइम क्या है? नमाज शब का असल टाइम आधी रात के गुजर जाने के बाद से सुबह सहर हत्ता के अजान सुबह से पहले तक, ये नमाज शब का टाइम होता है। आदमी इस दौरान किसी भी वक्त वो पढ़ सकता है लेकिन बेहतरीन वक्त जो है वो सहर का वक्त होता है, हंगामे सहर यानी अजान से एक आधा घंटा पहले लगभग आप ले लें उठेंगे तो बहुत है, आधा घंटा तो आराम से झूम झूम के तमाम मुस्तहबात, तमाम तरीके जो बयान किए गए नमाज शब के, उन तमाम तरीकों पर अमल करके भी आधे घंटे में ख़त्म कर सकता है, और अगर 10-12 मिनट पहले भी वो उठता है तब भी वो पढ़ सकता है नमाज शब को। तो अजान से पहले बहरहाल ख़त्म हो जाना चाहिए और सही टाइम, ज़्यादा फजीलत वाला टाइम यही है, यानी यहाँ तक उलमा ने बयान किया है कि एक ही वजू में इंसान नमाज शब भी पढ़े और उसी वजू में सुबह की नमाज वाजिब भी पढ़ ले, यानी इतना सुबह की नमाज से करीब कर दे नमाज शब को कि फिर आपको डबल डबल वजू करने की जहमत भी ना हो, पानी इसराफ करने की भी कोई ज़रूरत ना पड़े आपको, तो एक वजू में पढ़ सकता है। और ऐसा नहीं कि मतलब एक वजू है ना, एक जगह मैं गया था तो मुझे वहाँ एक मर्द मोमिन ने बताया, मौलाना मैं एक वजू में पूरे वाजिबात अदा कर लेता हूँ। मैंने कहा ये क्या है, ये कैसे आप सुबह से लेके शाम तक वजू से बाकी रहते हैं? तो बोले नहीं, सुबह मैं उठ नहीं पाता हूँ, नमाज नहीं पढ़ पाता, दोपहर भी काम में बिजी रहता हूँ, तो बिल्कुल जो है मगरिब से यानी कजा होने से थोड़ी देर पहले वजू करता हूँ, जोर असर की पढ़ लेता हूँ, थोड़ा इंतजार करता हूँ, मगरिब का टाइम हो जाता है ना, तो एक ही वजू में मैं पूरे वाजिबात पढ़ लेता हूँ। ये नहीं है मतलब यहाँ पर, लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि सुबह की नमाज से आदमी करीब हो जाए तो रात की नींद में भी उसकी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, हो सकता है ये सभी
मुजतहिदीन और मराजे का फतवा हो, लेकिन मैंने आयतुल्ला सिस्तानी के हवाले से ये मुतालिया किया है। किसी बंदे खुदा ने सवाल किया था तो आयतुल्ला सिस्तानी के नज़दीक अगर कोई तालिब इल्म है, कोई ताजर है, कोई स्टूडेंट है, वो आधी रात तक भी इंतज़ार नहीं कर सकता और सुबह भी उसके लिए होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे 6:30 बजे नमाज अदा होती है तो वो 6 बजे का अलार्म रख के नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे तालिब इल्म होते हैं ताकि उनके वाजिब दर्स वगैरह में कोई डिस्टर्ब ना हो, चूँकि वो भी एक वाजिब है। तो फौरन अव्वल वक्त में वो नमाज नहीं पढ़ते बल्कि नमाज के बाद अलार्म रख के कज़ा होने से पहले वो पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा है कि वो आदमी जिस टाइम सोता है, मसलन जिसे आमतौर से 10 बजे सोने की आदत हो जाती है, 10 बजे वो सो जाता है तो उसी वक्त नमाज शब पढ़ के सो सकता है। इससे अच्छी सहूलत क्या चाहिए आपको? जिस टाइम आदमी को जो है फुर्सत है, उसे खतरा है कि मैं आधी रात में नहीं उठूंगा और सुबह भी मैं सही वक्त पर नहीं उठ सकता, तो वो जिस टाइम सोता है आदत के मुताबिक 9:30 बजे सोता है तो 9:30 बजे ही वो नमाज पढ़ सकता है, 10 बजे सोता है तो 10 बजे। और आयतुल्ला सिस्तानी के नज़दीक कोई दीनी तालिब इल्म है उसके लिए मगरिब के फौरन बाद भी वो चाहे तो नमाज शब पढ़ सकता है ना, ताकि किसी के लिए बहरहाल कोई तरीके से बहाना ना हो। अच्छा, और एक बेहतरीन जो सहूलत है लोगों के लिए कि नमाज उसके लिए बोझ ना बन जाए नमाज शब, तो ये भी एक छूट है कि इंसान सिर्फ सूरह हम्द पढ़ के रुकू में जा सकता है, दूसरा सूरह पढ़ने की भी उसे ज़रूरत नहीं है, यानी मुख्तसर वक्त में पूरी भी पढ़ सकता है। और क्या चाहिए भाई आपको, इतना जो है कौन छूट दे सकता है हा? लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ा लुत्फ किया है अपने बंदों पर, वो किसी तरीके से नमाज से महरूम करना नहीं चाहता, बस इंसान के लिए थोड़ा सा ज़मीर को बेदार करने की ज़रूरत है। आखिरी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ आज के लिए कि अगर इंसान जब 8 रकात नमाज पढ़ रहा होता है तो दूसरा जो सूरह पढ़ता है वो सूरह के बगैर और क़ुनूत के बगैर भी है ना, सिर्फ सूरह हम्द पढ़ेगा रुकू में चला जाएगा, दूसरी रकात में भी सूरह हम्द पढ़ेगा फिर रुकू में चला जाएगा, इस तरीके से भी उसकी नमाज कामिल है। हालांकि रियायत करके वो पढ़ लेता है तो सवाब ज्यादा है, लेकिन जहां तक नमाज शब के मुकम्मल होने की बात है वो बगैर दूसरे छोटे सूरह के और क़ुनूत के भी नमाज उसकी मुकम्मल है। और एक बात, अगर इंसान नमाज शब घर में पढ़ रहा है तो उसके लिए बेहतर है कि बुलंद आवाज में पढ़े ताकि घर वाले भी उसकी आवाज को सुन सके। कम से कम वो नमाज शब नहीं पढ़ते हैं तो नमाज सुबह के लिए तो वो उठ जाए, अगर उनके अंदर जमीर हो, दिल उनका जिंदा हो तो आवाज सुन के उनको एक एहसास हो जाए। जैसे शेख अब्बास कुम्मी के फर्जंद ने नकल किया है कि हमारे वालिद साहब ने जिंदगी में कभी हमें नमाजों के लिए नहीं जगाया, जब वो नमाज शब के लिए उठते थे तो वो इस मकदार में आवाज को बुलंद कर देते कि हम लोग खुद ब खुद नमाज के लिए उठ जाते थे, है ना। तो घर में अगर पढ़ रहा है तो इस आवाज के साथ हो सकता है कि शरीक हयात भी सुबह की नमाज पढ़ ले, घर में मौजूद बच्चे भी नमाज शब नहीं तो कम से कम नमाज सुबह वो पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर घर में पढ़ रहा है तो वो थोड़ा सा बुलंद आवाज में पढ़े इस तरह से ताकि दूसरे मुतवज्जे हो जाएं, और अगर मस्जिद में पढ़ रहा है किसी को डिस्टर्ब हो रहा है उसकी बुलंद आवाज से तो वो फिर आहिस्ता ही आवाज में पढ़े, और कोई नहीं है अकेले ही है तो फिर उसके लिए इख्तियार है, हर सूरत में वो नमाज शब अदा कर सकता है। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सबको वाजिबात के साथ साथ मुस्तहबात पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व